रविवार को करीब 7 बजे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक हमला होता है। हमला उस मंदिर में होता है जिसके महंत उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। हमले का आरोपी मुर्तजा अब्बासी नाम का एक युवक, ये कोई मामूली लड़का नहीं है। देश के सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थान आईआईटी से पास इंजीनियर है। देश की नामचीन कंपनियों में इस शख्स ने नौकरी की है। ऐसा लड़का एक लंबा तलवार जैसा घातक हथियार लेकर मंदिर की सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों पर टूट पड़ता है। सब हैरान है, ऐसा क्यों? आरोपी के घर वाले उसे दिमागी रूप से बीमार बताते हैं, जबकि पुलिस को जांच में पता चलता है कि आरोपी मुर्तजा अब्बासी यूट्यूब देखकर दिमागी तौर पर हिंसक हो चुका था। वो जाकिर नायक को सुनता था। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि यह पागलपन है या आतंकी बीमारी है। आज तक संवाददाता अरविंद ओझा इस केस में एक अहम सुराग खोज कर लाए हैं। 4 मिनट का वीडियो है, इसे आईएसआईएस इंडिया नाम की एक संस्था ने जारी किया है। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ साजिश वाले हमले में यह वीडियो निर्णायक सुराग साबित हो सकता है। आज तक की एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन देखिए। चार मिनट के इस वीडियो में भारत के खिलाफ आतंकी मंसूबों का ऐलान है। ये वीडियो इंटरनेट से चलने वाले टेलीग्राम नाम के सोशल मीडिया ऐप पर जारी किया गया है। मेरे मुसलमान भाइयों और विलायत हिंद में बसने वाले मुजाहिद सिपाही, उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ज़रखेज़ उम्मत है। जिसका एक सिपाही सालार कत्ल हो जाता है तो उसकी जगह दूसरा ले लेता है, बल्कि जिहाद और मुजाहिदे में इस्तेमराल। इस आतंकी वीडियो में यूपी के गोरखनाथ मंदिर में हुए हमले की साजिश के मास्टरमाइंड के सुराग हैं। ये एक संयोग से ज्यादा है कि टेलीग्राम में आईएसआईएस के एक चैनल पर एक वीडियो जारी करके दावा किया जाता है कि भारत में आईएसआईएस के 4 स्लीपर सेल एक्टिव है। वीडियो की भाषा किसी भी इंसान को भड़काने वाली है। वीडियो में जिस किस्म के हथियार दिखाए जा रहे हैं वो देसी किस्म के गणा से और देसी कट्टे हैं। हथियार देसी और जुबान ऐसी कि किसी मासूम इंसान को भी लोन वुल्फ बनने की ओर आगे बढ़ा दे। लोन वुल्फ यानी ऐसा हमलावर जो अकेले किसी भी चीज से हमला कर दे। अब आप 3 अप्रैल 2022 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर के बाहर हुए हमले को याद कीजिए। एक लड़का हाथ में गड़ासा लेकर आता है, पीएससी के जवानों पर हमला करता है और मंदिर के अंदर दाखिल होने की कोशिश करता है। अब हम आप यूपी के गोरखनाथ मंदिर में हुए हमले की तस्वीर दिखाते हैं। सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे में कैद हमले की तस्वीर देखिए। हमलावर चौराहे पर 2 सिपाहियों को घायल करके मंदिर की ओर जाने वाली सड़क पर भागता है। अब आप वीडियो में दिखाए गए हथियार को देखिए और गोरखपुर हमले में इस्तेमाल हथियार को देखिए तो आप पाएंगे कि एक देसी हथियार से एक इंसान घातक हमला कर सकता है। हथियार एक है लेकिन इरादे क्या हैं, इसके बारे में पुलिस को सुनना चाहिए। पीएसी के जवान जो ड्यूटी पे मौजूद थे उस पर यह व्यक्ति आकस्मिक रूप से जानलेवा हमला करता है। इसके पास एक धारदार ऑब्जेक्ट था जिससे वो हमला करता है, जिससे एक हमारा आरक्षी घायल हो जाता है। वो उसको रजिस्ट करने की कोशिश करता है, वहाँ के उपस्थित पुलिस बल ने उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। उसके बाद वो भागता है अंदर और पीएसी का एक पोस्ट है वहाँ पर पुलिस वालों पर हमला करता है। उसको फिर एक हमारे सिपाही ने बहादुरी करके, अनुराग नामक सिपाही है, अच्छा बहादुरी करके जिस तरह से ये घटना हुई है उस घटना के दौरान ये धार्मिक नारे भी ले रहा था। इस प्रकरण से कोई भी एंगल को रूल आउट नहीं किया जा सकता, इंक्लूडिंग टेरर एंगल। पुलिस सभी पहलुओं पर छानबीन कर रही है।
अब हम आपको आईएसआईएस का दावा करने वाले और गोरखनाथ मंदिर में इस्तेमाल हुए गंडासे को एक साथ दिखाते हैं। देखिए दोनों हथियारों को एक साथ, इनमें समानता को संयोग भी कहा जा सकता है और ये भी माना जा सकता है कि आतंकी संगठन भारत के स्थानीय हथियारों की मदद से लोन वुल्फ अटैक की बड़ी साजिश कर रहे हैं। ऐसे हमलों से जान माल का नुकसान कम होता है, लेकिन आम आदमी में एक दूसरे के प्रति शंका ज्यादा बढ़ती है। आपके बगल में चल रहा शख्स कब हमलावर हो जाए इसका पता आपको भी नहीं चलता। ऐसी भावना देश के सामाजिक ताने बाने को किसी बम से ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। पुलिस को अब इस वीडियो की रोशनी में भी पूरे मामले की जांच करनी चाहिए, ताकि अगर हमले के पीछे कोई बड़ी साजिश हो तो देश को या सीएम योगी आदित्यनाथ को कोई खतरा हो तो उसे रोका जा सके। गोरखनाथ मंदिर के सुरक्षा कर्मियों पर हमले के आतंकी कनेक्शन में यह साफ हुआ है कि आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी बेहद खतरनाक मंसूबों के साथ पहुंचा था। उसके हाथ में एक गंडासा था, वहीं बैग में भी एक गंडासा और एक चाकू पहले से रखा हुआ था। उसकी प्लानिंग थी कि वो गंडासे से पहले सुरक्षा कर्मियों को घायल करे और फिर उनके हथियार लूट कर अपने साजिश को अंजाम दे। अब तक के सामने आए वीडियो में यह पूरा मॉड्यूल आईएसआईएस और आईएसआई से कनेक्शन के ओर इशारा कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अहमद मुर्तजा अब्बासी के इस कदम के पीछे साजिश आईएसआईएस या आईएसआई की रची गई हो। कैमरा पर्सन रोहित के साथ संतोष कुमार, आज तक।